जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जग्गा की ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी अपन लोग आप सभी को लेके आ चुके हैं चांपा का दुर्गा पंडाल दिखाने के लिए, तो चलिए लेके चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है खास। आइए, जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कोलकाता के थीम पे ये जो पूरा पंडाल है उसे बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ पे आते ही साथ आप सभीओं को कृष्ण जी की चलित झांकी देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे चल रहे हैं घूमते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इधर भी है पूरा झांकी वगैरह, श्री कृष्ण जी की झांकी। वाह यार, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे राधा कृष्ण देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा है और कृष्ण जी की लीलाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। देख लीजिए, इधर भी दिखा देना सर। ये देखिए कृष्ण जी जो है राधा माता के साथ नृत्य करते हुए, और ऊपर भी देख लो, ऊपर दिखा देना। इधर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, और इधर दिखाना, इधर साइड है दोस्तों यज्ञशाला। यहाँ पे प्रतिदिन यज्ञ होगा जैसे कि हमने आप सभी को बताया था। आइए सामने से आप सभीओं को पंडाल दिखाते हैं। ले आना इधर, यहाँ पे आप सभी सामने में पंडाल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर तुमको रात में ये देखिए, ये चलिए अभी अंदर लेके चलते हैं और माता रानी का भव्य रूप से आप सभीओं को दर्शन कराते हैं। दोस्तों आइए, ये है कुछ एंट्री गेट, सभी को एंटर फीस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पीछे में देख सकते हैं दोस्तों माता दुर्गा रानी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रूप दिया गया है। माता रानी के साथ में इधर है सरस्वती माता, इधर दिखाना कार्तिकेय भगवान, और इधर देख लीजिए आप सभी लक्ष्मी माता और गणेश जी, आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करें पंडाल की तो एक बार पंडाल घुमा के दिखा देना। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पंडाल है, तो दिखा दे और घुमा के। ये देखिए ऐसा कुछ है, उधर पीछे दिखाने का मन। जैसे कि
पहले ही बता चुका गया है, यहाँ पे माता रानी की जो मूर्ति है वो दिखा भाई 20 फीट ऊंची मूर्ति है माता रानी की, बाकी 17-17 फीट आप सभीों को, बाकी जितने भी भगवान हैं उन सभीों की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप सभी देख लीजिए दोस्तों पंडाल पे एक दफा नज़ारा, कोलकाता कोलकाता का जो उसी के बेस पे है, देखिए कैसे है, यहाँ पे लाइटिंग पड़ रही है।